हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमने कोई भी प्लान बनाया, कोई कुछ भी ऑर्गेनाइज़ किया, लीड किया, तो अब हमें उसके लिए कुछ एफर्ट्स भी तो चाहिए ना, कि जो भी हम चीज़ें करी हैं क्या वो फॉलो हुई है, हो रही हैं या नहीं। तो हम इसकी अगर चेकिंग स्टार्टिंग से ही शुरू कर दें कि इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले ही आपकी ये सारी चीज़ें चेक हो जाएं, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो इसीलिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टास्क किसको दिए जाते हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को। अब जैसे कि 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कीज़ रहती है, जैसे प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, लीड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो भी हमने प्लान किया है उसे एक ऑर्गेनाइजेशन वे में लीड करना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना उस चीज़ को कि ये ऐसी चीज़ फॉलो हो रही है नहीं, और कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। अब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, जैसे कि हमने जो भी सेफ्टी पॉलिसीज़ बनाई हैं, अगर आपको वर्क करने जाना है तो आप अपने पीपीज़ लेके जा रहे हैं, आप क्या मशीनरीज रख रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब आप गेट से एंटर होते हैं तभी से चेकिंग शुरू हो जाए, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप रेगुलरली इंप्लीमेंट करने में आपको ईजी होगा। क्योंकि जब आपको रेगुलरली ये चीज़ें याद रहेंगी, चेक हुआ करेंगी, तो आप भी उसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें ये है कि कोई भी फैक्ट्री पर्सन है, अगर वो फैक्ट्री का ही है तो उसे आप परमिशन देंगे, पर अगर कोई विजिटर है तो उसे विजिटिंग कार्ड बना के उसको विथ पीपीईज के साथ आप उसे अंदर भेजें, जैसे कि उसको हेलमेट वेयर करा दिए, उसका सेफ्टी शूज़ दे दिए, है ना, इस तरीके से। तो यही है इसमें, इंश्योर नो अनऑथराइज्ड पर्सनल। ठीक है, जो जिनके पास परमिशन नहीं है वो अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे कि इमीडिएटली ऑक्यूपाई करना है हमें, जैसे कि मान लीजिए कभी कोई फायर वाला केस हो जाता है, आग लग रही होती है, तो हम अपने इन सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को भी तैयार करेंगे। ठीक है, ताकि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी जो हमारे इमरजेंसी प्लानिंग है उसमें हेल्प करे, वो भी आगे आके हेल्प करे, आग कैसे बुझानी है, इमरजेंसी में हमें क्या क्या करना है फर्स्टली, ये सारी चीज़ें भी उनको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही आप अगर अंदर जा रहे हैं, इंश्योर कंप्लीट सिक्योरिटी, हमें कंप्लीट सिक्योरिटी भी उनसे चेक करवानी है कि कोई भी इंसान अगर अंदर जा रहा है तो उसके पास क्या इक्विपमेंट हैं। ठीक है, इसकी भी चेकिंग करनी है, क्या मशीनरीज़ वो यूज़ कर रहा है, क्या उसके काम में आने वाली है वो या नहीं। ठीक है, अगर वो कोई काम करने के लिए आया है और उसने सेफ्टी शूज़ और हेलमेट्स और सारा पीपीईज वेयर किया है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को चेक करनी होती है। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जो भी रहता है उसे बहुत थोड़ा सा रूल्स रेजोल्यूशंस के लिए एकदम टाइट रहना होगा, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जिसकी वजह से कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, ऑर्गेनाइज कंप्लीट फायर फाइटिंग एंड सेफ्टी मेजर्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी सेफ्टी रखनी है, पूरे फायर फाइटिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि होने वाले जैसे कोई भी एक्सीडेंट सामने ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को टाइट रखते हैं, उनके लिए जो भी उनको ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करते हैं, उन्हें उनकी ड्यूटीज़ जो भी हैं वो फॉलो उनसे करवाते हैं, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी आपके यहाँ कोई भी आउटसाइडर आ रहा है, कोई भी विजिटर आ रहा है और उसके पास परमिशन नहीं है, तो आप उसका व्हीकल भी अंदर नहीं आने दें। ठीक है, क्या होता है इससे, जैसे कि कोई भी आ रहा है जा रहा है, इतना अगर व्हीकल्स का इनसाइड आउटसाइड होगा तो इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कोई भी नॉइजी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, साथ ही ट्रैफिक इशू भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि जब भी कभी भी कोई भी आता है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज अ स्ट्रिक्ट ट्रैफिक कंट्रोल इनसाइड द प्रमाइजेस। ठीक है, तो हमें ट्रैफिक कंट्रोल पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो आगे ये भी है, डू नॉट अलाउ एनी विजिटर्स व्हीकल्स इनसाइड अनलेस परमिशन ग्रांटेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें उन्हीं लोगों को सिर्फ अंदर आने देना है जो सच में जिनके पास परमिशन है। ठीक है, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और डिज़ास्टर सेल है, उनसे परमिशन अगर मिली हो तो ही वो अंदर आ सकते हैं। ठीक है, उनकी व्हीकल जो भी हैं। ठीक है, साथ ही सारी की सारी ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जो भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है क्या वो ठीक से वर्क कर रहा है, क्या जो भी चेकिंग्स हो रही हैं उनके द्वारा करी गई चेकिंग्स है क्या वो ठीक से हो रही हैं,
जो भी विजिटर होगा, जो भी आउटसाइडर होगा, उनको विजिटिंग कार्ड के साथ ही एंट्री देनी है अंदर, ठीक है? अदरवाइज़ क्या होगा, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा अंदर, तो हमें ऐसा नहीं करना है। उनसे पूछना है आप क्या काम से आए हैं, क्यों आए हैं, उसी हिसाब से उनका विजिटर कार्ड बनेगा, उसके बाद वो एंटर कर पाएंगे, ठीक है? तो ये कुछ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की, जिसके लिए जिसके करने से हम छोटी छोटी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में, ठीक है? तो ये मैंने आपको टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बारे में बताया। थैंक यू।